सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक द न्यू वीडियो। से यार आज की वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं। सो फिलहाल निकलते हैं यार घर पे। आज सुबह के 7 बज गए। फिलहाल घर निकलना है जल्दी से। सुबह गाड़ी पे तो यार कपड़ा मार लिया, लेकिन थोड़ा शीशों में मारा यार। गाड़ी पे साफ नहीं करी है यार, क्योंकि कपड़ा नहीं है गाड़ी में मेरी इस वाली में। छोटा सा कपड़ा तो खाली शीशे से साफ कर लिया खाली। भाई फिलहाल हो गया खाना, नाश्ता वगैरह कर लिया। फिलहाल गाड़ी में रखते हैं सामान थोड़ा बहुत, और मेरे को यार ऐसे कचौड़ी पैक करानी है जयपुर की फेमस है जो की। तब तक यार गाड़ी मोड़ करके लगा लूँ यार। मास्क यार मैंने इसलिए पहन रखा क्यों यार मेरे को धूल मिट्टी वगैरह से एलर्जी हो जाती है। सो यार रात को एलर्जी हो गई मेरे को, पता नहीं कैसे यार पूरी रात यार मेरे को दिक्कत थी सोने में, सर्दी सी हो गई एकदम से। सो यार फिलहाल गाड़ी में रख लिया सामान। ये भी अभी आए थे यार दूसरे वाले मकान पे एक जने को और पिकअप करने। सो अभी यहाँ से इनको भी पिकअप कर लेते हैं और चलते सीधे घर। अब सीधे घर पे ही मिलेंगे, रास्ते में कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करता हूँ मैं, सो सीधे घर ही मिलते हैं। देखो यार गाड़ियों के पीछे कुत्ते क्यों भोंकते हैं मालूम है? क्योंकि टायर होता है ना, उस टायर के ऊपर दूसरे कुत्ते सुसु कर देते ना, उनको सुनते हैं हमारे एरिया में कोई दूसरा डॉगी आ गया। ओ भाई मारुति सुजुकी वाले की पुरानी वाली गली नहीं, देखो यार इतनी पुरानी गली सुजुकी थी मारुति सुजुकी, मतलब कितनी पुरानी यार बलिनो देखो ये यार। ये यार मैंने तो अब देखी यार, इससे एक और मॉडल देखा था, वो भी मैंने सेडान था, वो मॉडल भी मैंने देखा था, वो एस्टीम जैसा था, लेकिन यार ये इतनी पुरानी बलिनो मतलब कैसी लग रही बिल्कुल है ऐसे करके यार। वो आती है ना इसको क्वालिटी शादी थी उस टाइप की है, बताओ ओ ऐसा लग रहा भाई तेरी शादी हो। देखो सीरियस गाय नंबर फाइनली यार आ गए घर पर, और अभी आके उससे यार टाइम पे तोरा 3:30 बजे यार काफी ज्यादा था यार। जयपुर में दो चालन और हुए, दो चालन मतलब 2800 रुपये चालन मिनट एवं यार। रेड सिग्नल जबकि ग्रीन था तब मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, आगे जाके ट्रैफिक हुए नेक गाड़ी रुक गई यार आगे जाके, और उसके यार 2000 रुपये एंट लिए खाने पी लिए। फिर एक स्पीड का हो गया हल्का सा 800 रुपये माल झंड कर दिए एवं फोकट के फोकट के ज्यादा मेरे माल में बता रहा हूँ। लेकिन सभी आए घर पर यार, नहाते धोते थोड़ा बॉडी रेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत थकावट हो रही है, नॉन स्टॉप आए हैं सीधे चलते चलते। और मलाइका होगा लिया मम्मी जल्दी लिया, भूख लग रही है भाई। 4:15 बजे यार अभी तक खाना नहीं खाया, दोपहर का लंच लिया और तेज भूख लग रही है आज। सो फिलहाल मम्मी ने बनाया भाई चावल, वो खाएंगे तो कैसे पागलों की तरह ढूंढ लिए भाई। ये सही लेके आई मम्मी खाना, ये बाजरे की टिक्की दाल वगैरह जो भी है, आलू की सब्जी। क्या हो गया तेरे को उल्टी आ गई? सीधी कर ले, बाल कितने बड़े बड़े तेरे, कितने बड़े बड़े बाल है तेरे? मेरे चक्कर में तेरे उल्टी आ रही है, इसको पागल बाल कटवा ले भाई, बाल इतने बड़े हो कटवाता भी नहीं है ना उन्हें भाई, बाल भी नहीं कटवाता तो कितने बड़े बाल है उसके, बाल कटवा ले। आज क्या है सैटरडे, कल संडे को कटवाएंगे ठीक है। अच्छा तो मैं समझू तुम सारी, छप मैं समझो तुम सारी कहाँ की स्टोरी बतानी है। तो भाई मम्मी का टीवी में देखा होगा जरूर, नहीं फोन में, फोन में देखी, फोन में स्टोरी देख के मुझे बतानी होता फोन की स्टोरी मेरे को, कैसे ऐसे ये स्टोरी होती होती है। मम्मी बहुत समझाती है भाई, वो लड़का गलत लड़कों के साथ पढ़ गया था, वो पढ़ने गया था हॉस्टल में, वो स्टोरी बता रही है मम्मी। पर वहाँ पर क्या होता था, कोई जुआ खेलता था, कोई दारू पीता था, अदरवाइज ETC, DCD बहुत सी चीजें यार ऐसी। मम्मी बहुत स्टोरी सुनी है, बहुत बढ़िया है मम्मी, वही एक्सप्लेन कर रही है। अब मैं ना मम्मी ऐसी स्टोरी बहुत देखी हूँ, उसका लड़का घर पहुंचा भाई, मैंने बहुत देखी मम्मी जो बता रही है ना, किसी के बाप होता है वो गरीब होता है, वो कर्जा लेके बच्चे पढ़ाता है हॉस्टल में भेजता है, लेकिन बच्चा बाहर एसएमएस कर रहा होता है तो एकदम उसका बाप पहुंच जाता है, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, वो सीन यार काफी सारी स्टोरी सुनी। क्या देखी सो अभी आए यार मार्केट में, मार्केट में आ रहे थे सूट वूट लेने, तो यार कल जाएंगे बारात मेरठ, सो यहाँ के लिए कुछ कपड़े वगैरह डिसाइड करने आए थे। उस दिन भी आए थे पर यार गोलू को नहीं दिला पाया था, उस दिन लौट गया था, उसके मन में नहीं थी, तो आ गए उसे शॉप पर देखते हैं कुछ। सो अभी यार उसका साइज ले लिया और फिलहाल देखने कोई बढ़िया रहा पसंद आ जा, अच्छी लग रही है छबरी स्टाइल।
चप्पू स्टाइल दो भाई, फिलहाल कर ली शॉपिंग, फिलहाल देखो इसने ले ली सामान वगैरह, इसका भी हो रहा फाइनल। सूट वूट सिलवाया था, बाकी अपना सूट वूट अपना फिटिंग वगैरह करा दिया भाई। अब बज गए 8:30 बजे और ये आना मिट्टी भाई के पास यार, वहाँ पर कोई शादी है क्या देख रहे हो बेटा? चलो फिर चलते हैं भाई। सब चूसे हैं भाई अपना, सब फिलहाल इस ब्लॉग कर देते हैं भाई। ये सो मिलेंगे यार कल को, कल है बारात, सो कल जाएंगे मेरठ।